नमस्कार, वेलकम टू कुमारीज, वेलकम कुमारी ओम शांति ओम शांति। सिस्टर शिवानी हमारे पास कुछ है और एक प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक्चुअली वो मेरा भी सवाल है अच्छा तो मैं पढ़ना चाहूंगा ये डेथ के बाद का पूछती है एक लेडी है अंतिम संस्कार वगैरह जो होता है जो अपने सोल के लिए किया जाता है क्या उससे फर्क पड़ता है क्या सचमुच में और दूसरा और अगर ना करें तो फिर क्या होता है आ, बेसिकली ये चाहती हैं, जानना चाहती है कि जो सोल है हमारा डेथ के बाद चले जाता है और हम लोग जो फॉर्मेलिटीज बाद में करते हैं पूजा पाठ ये सब बातें उससे क्या होता है और क्यों अब जब हमें आत्मा समझ में आता है तो हमें ये समझ में आता है शरीर छोड़ा आत्मा अभी भी है यू you नो know, अभी तक अज्ञान था तो हम कहते थे चले गए मर गया अब समझ में आता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है अब ऐसे समय पर जब कोई शरीर छोड़ता है तो स्थिति कैसी है सबकी दर्द की रोने की थॉट प्रोसेस कैसा है कि अब मेरा क्या होगा क्यों छोड़ के चले गए एवरी thought एट दैट टाइम इज ओनली पेन एवरी thought. अब ये एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि आत्मा यहाँ थी इस शरीर में थी हमारे साथ उसकी बॉन्डिंग थी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उस आत्मा के साथ मेरा एक अकाउंट बना हुआ था मतलब हम जो सोचते थे एक दूसरे की थॉट हम कनेक्ट हो जाती थी वी आर एबल टू कैच ईच अदर्स थॉट्स हमारी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ ट्यून्ड थी। जो बॉडी जाने के बाद नहीं हो सकता बॉडी जाने के बाद वो कंटिन्यूड है ये याद रखना है ऐसा अच्छा हो सकता है हो सकता है नहीं है कैसे इट्स लाइक like आप आज इस ड्रेस में हैं है हाँ। ना ये कुर्ता पहने हैं मैंने ये ड्रेस पहनी है सपोज आपकी और मेरी थॉट्स हम याद करें कनेक्ट होती है ठीक है याद करना किसी को किसी को प्यार से याद करना दूसरे तक थॉट पहुंचती है दूसरे की थॉट हमारे तक आती है ये बॉन्डिंग है अब कल आप दूसरी ड्रेस पहनेंगे मैं भी दूसरी ड्रेस पहनूंगी तो फ्रीक्वेंसी और बॉन्डिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी वो तो ड्रेस है कनेक्शन तो, तो यहाँ है जन्मों में हजारों लोगों से बॉन्डिंग होगी अभी हाँ बॉन्डिंग होगी लेकिन इम्पोर्टेंट है ये अभी अभी थी ना ये अभी अभी, अभी थी आपने ये ड्रेस पहनी है कल आप ड्रेस चेंज करेंगे मैं ड्रेस चेंज करूंगी बॉन्डिंग सेम रहेगी अब इसी तरह दोनों में से कोई की ये वाली ड्रेस चेंज हो जाए कॉस्ट्यूम शरीर मतलब मैं आत्मा सिर्फ ये शरीर छोड़ा ना व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड आत्मा तो वही है रिश्ता तो वही है बॉन्डिंग तो वही है जब तक वो आत्मा नेक्स्ट शरीर लेगी नेक्स्ट शरीर भी थोड़ा सा बड़ा होगा एक दो साल का उसकी एक न्यू सेट ऑफ सोल्स के साथ बॉन्डिंग होगी तब वो धीरे धीरे ये वाली जो मेमोरी है वो फेड आउट हो गई दिस विल ऑल टेक टाइम जब वो पेट पे हैं हाँ, तब तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है पुराने वाले के साथ है ना बहुत स्ट्रांग है एंड जब आत्मा गर्भ में है तब तो कैचिंग पावर हाईएस्ट है आत्मा जब शरीर छोड़ती है कैचिंग पावर हाईएस्ट क्यों है क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल गए आप देखो जब हम आ, संत जब आत्मा मेडिटेशन करते जब हैं। हम मेडिटेशन करते हैं जब हम संत आत्माओं के पास जाते हैं जिन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेडिटेशन या सिद्धि प्राप्त की है जिससे उनका अपना माइंड क्या हो गया है साइलेंट हो गया है जिसको हम कहेंगे वो बॉडी कॉन्शियसनेस अपने देह भान से ऊपर उठते जा रहे हैं ऐसी आत्मा के सामने सिर्फ जाके बैठ जाओ कुछ बोलो नहीं उनको पता चल जाता है हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो आपको आपकी प्रॉब्लम बोलने से पहले आंसर देना शुरू कर देते हैं हमें लगता है ये कोई मैजिक है ये कोई मिरेकल है कोई मिरेकल नहीं है जब मेरी अपनी थॉट साइलेंट होंगी मैं अपनी बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठूं, तो मेरी कैचिंग पावर सामने वाले थॉट की हायर हो जाएगी इसी तरह हम सब भी जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इट हैपन स्लोली हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठते हम भी एक दूसरे के थॉट्स कैच कर सकते हैं लेकिन व्हाट व्हेन मैं आत्मशरीर शरीर ही छोड़ दू तब मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस जीरो है सोल कॉन्शियसनेस हंड्रेड परसेंट है तब मेरी कैचिंग पावर हंड्रेड परसेंट है इसीलिए कहते हैं ना जब आत्मा शरीर छोड़ा और कहते हैं कि आत्मा वही होती है hmm. जहां उसका जहां उसने अभी अभी छोड़ा वहां पूरा परिवार जो सोचेगा उस आत्मा के लिए या जनरली जो सोचेगा वो आत्मा हर चीज कैच कर सकती है हर थॉट कैच कर सकती है अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पीछे रहे हैं परिवार कि इस आत्मा को क्या थॉट्स देने हैं एक आत्मा ने अभी शरीर छोड़ा फिर वो आत्मा ने दूसरा शरीर लिया तो वो गर्भ में है फिर वो बच्चा पैदा हुआ ये सब स्टेजेस में अभी तक आत्मा का नए शरीर से भी अटैचमेंट नहीं हुआ और नए परिवार के साथ भी बॉन्डिंग अभी नहीं हुई है वो बॉन्डिंग सारी पुराने वाली आत्माओं के साथ है मतलब पुराने रिश्तों के साथ है जहां वो थी ऐसे समय पर हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं इट्स रीचिंग अब हमारी हर थॉट उस टाइम नेगेटिव है दर्द की है क्यों चले गए कैसे चले गए ऐसे कैसे चले गए तो हर थॉट उस आत्मा को कैसे पहुंचेगी दर्द वाली दर्द वाली हम एक तरफ से कहते हैं उस आत्मा को शांति दो शांति दो रो के कैसे शांति देंगे शांति देने के लिए खुद क्या होना पड़ेगा शांत होना पड़ेगा तो ये सब रिचुअल्स क्यों बने क्योंकि अगर घर में उस टाइम पर पूजा होगी पाठ होगा कोई आकर हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा तो वो नई इंफॉर्मेशन नई काइंड ऑफ थिंकिंग हमारी थॉट्स चेंज हो जाएंगे हमारी थॉट्स चेंज होने से हमारे लिए भी बेटर घर के वातावरण के लिए बेटर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उस आत्मा के लिए बहुत अच्छा जो चले गए हैं नॉर्मली जब पूजा करते हैं या रिचुअल कहते हैं हम कहते हैं उस आत्मा की शांति के लिए उस आत्मा की शांति के लिए पाठ रखा जाता है अब लेकिन वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि पूजा करने से और पाठ करने से सिर्फ उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी पूजा करना पाठ करना उसको यूज करके अपने मन को शांत करना जब हमारा मन शांत होगा हमारी वाइब्रेशंस उस आत्मा को मिलेंगी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये ये कनेक्शन चार पाँच दस साल के बाद निकल जाता है या से इतने साल नहीं रहेगा बोल बोलते थो थोड़ा तो होगा कहीं जब्दक... ना कहीं तो रहते हैं। सोल। पर अभी मैं अगर समझो मेरे भाई की डेथ हुई साल साल पहले साल पहले तो आज मैं जिस कॉस्ट्यूम में भी है यहाँ से मैं एक वो भेज सकता हूँ दुआएं आप भेज सकते हैं लेकिन उनको कैच हो या नहीं वो नहीं मालूम मतलब वो अवेयर नहीं होंगे आपकी एनर्जी तो जा रही है आप किसी को याद करो उनको अच्छी थॉट्स अच्छी दुआएं तो जाती है ना वो तो जरूर वर्क करेगी वो तो है। हमेशा अभी हवा आएगी तो थोड़ा थो वो, लगती है। वो तो अच्छा है ना यहाँ से आपकी याद है अभी ये है की आपको उनकी याद आ रही है आपका अभी जैसे सपोज आपने कहा आपके ब्रदर ने शरीर छोड़ा ठीक है एक्सीडेंट में छोड़ा राइट ट्रैजिक ट्रैजिक डेथ अभी हम उस आत्मा की जगह में बैठते हैं एक मिनट के लिए छोटे बच्चे हाँ सडनली आप जा रहे हो सडनली एक कार एक्सीडेंट हुआ वो आत्मा की सिचुएशन को देखो शरीर छोड़ा क्या थॉट्स चलेंगे कि मेरे बच्चों, क्या ये मेरे बच्चों वो। का क्या होगा इनको कौन संभालेगा मैंने अपनी ड्यूटी इनकम्प्लीट रखी इनका आगे क्या होगा मैं तो पैसे भी उतने नहीं छोड़े पीछे इनके लिए अब ये आत्मा शरीर छोड़ेगी कोई भी सिचुएशन में माँ के गर्भ में जाएगी डिटैच है कम्प्लीटली तो माँ के गर्भ में भी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा पेनफुल रहेगा ना यहाँ से इतना हम रो रहे, रो, रहे रो, रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे रो रहे हैं एंड शायद दर्द में है अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली एक मैसेज किया जाता है ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट जैसे सोचो कि कोई अगर दूसरे देश जाए दूसरे शहर भी जाए आपका hmm. बेटा अगर दूसरे देश जाए अभी नहीं आ सकता तुरंत वापस आपके घर में आज दो प्रॉब्लम्स आ गए वो आपको फोन करके पूछे सब ठीक है घर पे तो आप क्या बताएंगे हम रहे सब ठीक है डोंट वरी ये ये बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या बोलेंगे हम ये नहीं बोलेंगे पता है इतनी प्रॉब्लम है तुम जल्दी वापस आ जाओ तुम्हारे तो पढ़ाई का मन ही नहीं लगे घर पढ़ने गए दिस क्लैरिटी दिस क्लैरिटी क्यों आपका इंटेंशन क्या है वो वहां पर सेट हो जाए तो आप उसको बोलेंगे यहां सब ठीक है जब दूसरे देश कोई जाता है दूसरे शहर कोई जाता है तो हम इतने क्लियर हैं इस बात से कि हमें कौन सा मैसेज भेजना है यहां सब ठीक है और हम लर्न भी करेंगे ना अपने आप मैनेज करेंगे उस प्रॉब्लम मालूम है वो अभी वापस नहीं आ सकता व्हाट अबाउट आत्मा जो शरीर छोड़ के चली गई है वो तो चाहे नहीं भी वापस नहीं आ सकती उसको हम हर थॉट में क्या मैसेज देते हैं क्यों चले गए मुझे छोड़ के चले गए तुम प्लीज वापस आ जाओ आज तो कितने लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू कनेक्ट बैक टू दैट सोल आई वॉन्ट दैट सोल टू कम बैक हमें क्लैरिटी होनी चाहिए ना वो वापस नहीं आ सकते अब हमारे पास दो ऑप्शन है या तो उनको ऐसी एनर्जी भेजें या उनको एनर्जी भेजें हम यहाँ अपना ध्यान रखेंगे हम यहाँ सेट हो जाएंगे आप वहाँ पे सेट हो जाओ ये थॉट्स चेंज करने हैं क्योंकि इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस आत्मा को माँ के गर्भ में बहुत तकलीफ होती है इसलिए एंड न्यू बेबी ऑल्सो न्यू बॉर्न बेबी ऑल्सो आप देखो क्लियर एग्जाम्पल है घर में बच्चों को देख लो छोटे बच्चों को कई बच्चे बहुत रोते हैं उनके चेहरे पे दिखती है एंग्जाइटी पेन कई बच्चे बहुत हंसमुख होते हैं इट हैज अ लॉट टू डू विद पास्ट एनर्जी विच दे आर कैरिंग तो ये सब चीज़ों को लेकिन आज हमें इसका सब मीनिंग नहीं कोई बता रहा आज हमें सिर्फ क्या बोल रहे हैं पूजा कर लो पाठ कर लो क्यों करना है और करके उससे क्या चेंज करना है और उसके पीछे के क्या लॉजिक है ये तो हमें कोई नहीं बताता एक्चुअली आत्मा को क्या भेजना है हमको जो, आत्मा जो को जो आपने कहा ना हो गया हम यहाँ ठीक है अच्छा बच्चा दूसरे देश में तो हम क्या बोलेंगे हम यहाँ ठीक है हाँ। आपके साथ हम जितना समय रहे ब्यूटिफुल आप हमेशा याद आएंगे लेकिन दो तरह की याद होती है एक है प्यार से याद एक है दर्द वाली याद ये जो थॉट्स है ना क्यों चले गए छोड़कर चले गए वापस जाओ ये नहीं आप जब तक हमारे साथ थे ब्यूटीफुल एक औरत की बेटी की शादी हो गई ऑफ द कंट्री और वो लिखती जाए कि मैं दुखी हूँ तेरे डैडी मुझे सताते हैं तेरा ये वहाँ क्या सेटल हो दिस इज इट क्या रिलेशनशिप बतेगा खुद की बेटी को आप दुख दे रहे हो दिस इज इट खुद के बच्चे को आप दुख दे रहे हो हमारे पास एक सेंटर पे एक परिवार आया पूरा फैमिली ऑफ फोर्टी पीपल वो थे जॉइंट फैमिली बड़ी उनके घर में एक बच्चे ने सुसाइड किया यंग कॉलेज में एडमिशन लिया कुछ हुआ तो सुसाइड किया अब क्लैरिटी अब उनके पास क्या क्या थे एक तो दर्द था बच्चा शरीर छोड़ा दूसरा था सोशल प्रेशर बच्चे ने क्यों सुसाइड किया ज़रूर घर में कुछ हुआ होगा क्या यू you नो know, दो एक पेन उसके साथ एक और बहुत पेन। लोग हाँ अच्छा फिर कोई आकर बताता है किसने कि, मार दिया नहीं कोई आकर बोलेगा अगर आत्मा सुसाइड किया तो, तो फिर वो उसके बाद तकलीफ में होती है हाँ, तो उसको शरीर ने पेन टू पेन टू पेन, पेन इतना सारा दर्द पेरेंट्स के लिए तो इतना डिफिकल्ट है अच्छा फिर पेरेंट्स का अपना गिल्ट समवेयर वी डिन डू थिंग्स राइट हम अपने बच्चे के लिए नहीं थे जब वो तकलीफ में था उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसको क्या प्रॉब्लम थी कितना पेन हो गया क्रिएट कि अगर वो मुझे बताता मैं उसको हेल्प कर देता तो so, इसी का मतलब है तो उसकी जो मर गया उसकी आत्मा को शांति देना मतलब शांति के थॉट्स भेजना मतलब शांत करना हाँ तो मैं शांत होगा तो ही भेजूंगा तो ही भेजूंगा जो आप होंगे वो ऑटोमेटिकली लेकिन तू शांत रहे नहीं होगा तो फिक्र नहीं करना चिट्ठी में लिख दिया लेकिन तेरे डैडी मुझे बहुत मारते हैं दारू पी के आते हैं लड़ते हैं मेरी बेटी तू जब से गई मैं तेरे बिना जी नहीं सकती लेकिन तू सुख सुखी रहना वेरी नाइस nice. अब ये नहीं हो सकता ना सारी चिंता दे दी और लेकिन तू कुछ फिक्र मत कर ये नहीं हो सकता इसी तरह सारे दर्द वाले थॉट्स क्रिएट कर लिए और लास्ट थॉट क्या बोली परमात्मा उस आत्मा को शांति देना है नहीं हो सकता नहीं हो सकता तो जब ये परिवार आए सेंटर पे हमने उनको समझाया कि वो आत्मा अगर सुसाइड किया मतलब दर्द में थी तब तो कोई रीजन फिर शरीर छोड़ा सुसाइड में जनरली क्या होता है शरीर छोड़ते ही आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए था आप जैसे ही बॉडी कॉन्शियस से डिटैच होंगे आपकी क्लैरिटी गिल्ट चेंज हो जाएगी गिल्टी गिलतीफी हाँ तो आपको लगता है आपको नहीं करना चाहिए था वो पेन फिर आप नई जगह पर गए सो हमने उन पेरेंट्स को सिर्फ एक चीज बोला आपका जो गिल्ट आपको लग रहा है कि हमने उसके लिए नहीं हम कुछ कर पाए आप अब करने के लिए रेडी हैं आई यू रेडी टू डू एनी थिंग नाउ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वो आत्मा कमजोर है जो वहां एक बच्चा है अब या तो वो एक कमजोर बच्चा पैदा होगा जो फिर आगे वही कमजोरी का संस्कार लेते हुए बड़ा होगा या इस एक साल को यूज करो उसको इतनी शक्ति भेजो इतना प्यार भेजो इतनी शांति भेजो कि उसका जो दर्द था जो वूंड था वो सारा हील हो जाए पास्ट फिनिश्ड वो एक स्ट्रॉन्ग आत्मा नया जन्म ले और हंसता वो जन्म लेगी ना तो रोते ही रहते, उस आत्मा को, उस को भी एक भी रॉन्ग थॉट नहीं भेजने चेंज हो गया सब कुछ बिकॉज क्लैरिटी क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है कि मेरी एनर्जी उसकी इंपावरमेंट या डिस इंपावरमेंट कर रही है अब मेरी थॉट्स या तो उस आत्मा को डिप्लीट कर सकती है या उस आत्मा को स्ट्रांग बना सकती है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तब तक थी जब वो इस शरीर में था या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है ये एक क्लैरिटी एंड देन दे सेड फॉरगेट जो आसपास के लोग बोल रहे हैं हम किसी को आंसरेबल नहीं है कि क्यों हमारे घर में ये सब हुआ एंड नाउ वी बाद नहीं रहूंगी क्योंकि मैं अपने बच्चे को दर्द नहीं देना चाहती क्लैरिटी कैसा गिल्टी फील होता है ना अगर वो आदमी सुन रहा हो कि तुमको इतना भी नहीं मालूम कि मुझे क्या हो रहा होगा अकेले छोड़ के जाने का मतलब क्या है आपको इतनी भी समझ नहीं थी कि पीछे से मैं मुझे इतना दुख देके जाओगे सोचो कैसा लगता एक तो मिनट के, तो के लिए फील कराती है एक मिनट के लिए अगर हम अपने आप को स्थिति में रख लें इट्स लाइक यू नो आप वहां पहुंचे और आपको कंटीन्यूअसली एक थॉट के बाद एक थॉट के बाद एक थॉट कैसा फील होगा इसके लिए ये सब रिचुअल्स बने थे ये रिचुअल्स किस लिए बने ताकि जल्दी से अपनी मनोस्थिति को अपने को को हील करना है दर्द को हील करके और उस आत्मा को राइट एनर्जी भेजना अब सिर्फ हुआ क्या आज क्या हो रहा है जैसे बाकी रिचुअल्स में हम बिना अर्थ के रिचुअल कर देते हैं कई बार रिचुअल तो कर रहे हैं ये किया अब रिचुअल हमारा सारा कहा हो गया बाहर तो हमारा सारा रिचुअल सिर्फ बाहर तक सीमित है, है और हमने कहा ये करेंगे उस आत्मा की शांति के लिए हमने अपने को उस रिचुअल से ऐसे रखा ये रिचुअल हम करेंगे उस आत्मा को शांति मिलेगी रिचुअल आत्मा को शांति नहीं देगा रिचुअल को यूज करके अपने को शांत करना अपने शांति के वाइब्रेशन इज दैट मैसेज हम ठीक है सबको ठीक करना अब जैसे वो बहन ने लिखा कि सपोज हम नहीं कर पाते हैं रिचुअल इट्स फाइन नहीं कर पाते तो फाइन नहीं है नहीं कर पाते तो अंडरस्टैंड तो कर पाओ आप रोते रहोगे उसको दुखी करते रहोगे? नहीं आजकल क्या हो रहा है फ़ियर भी क्रिएट हो जाता है कि अगर आपने वो नहीं किया दूसरे लोग फिर शांत नहीं है जो हम करेंगे, वो सारी फियर की थॉट्स भी कहां जाएंगे हमें बहुत क्लियर होना चाहिए तो मुझे भी वीक करेगी हाँ और हाँ मैं वीक होगा तो उधर ट्रांसमिट होगा हमें क्लैरिटी आत्मा मीन्स आत्मा एक शरीर छोड़ेगी और आत्मा दूसरा शरीर लेगी बी बार हम ये क्वेश्चन में चले जाते हैं कितनी देर बाद कई बार पूछेंगे कितनी देर बाद तुरंत मालूम नहीं इंपोर्टेंट है अगर अभी नहीं भी लिया या अभी ले भी लिया हमारा रोल क्या है नहीं, बट अभी ले ना ले बॉडी कॉन्शियस बनी है तो जल्दी अब्जॉर्ब करेगा जल्दी करेगी कैच करेगी, कैच करेगी अगर आत्मा अशांत होकर शरीर छोड़ा आपको कोई ये बता रहा है कि आत्मा अशांत है उसने शरीर नहीं लिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कई गुणा बढ़ जाती है लेकिन आप फियर क्रिएट कर देंगे उसमें तो फिर आपने क्या ट्रांसमिट किया सॉरी बीच में बोल रहा हूँ एक मेरी सिस्टर छोटी थी है उसने मुझे बोला भी आप किसी वहाँ से आए हो क्रिमेशन से ये पानी पानी पीछे पे पानी पीछे पे मेरे अभी आपसे बात करते करते तो समझ में आ रहा है कि ना पीछे के बात को पानी के साथ पीछे छोड़ो और नया बिल्कुल, बिल्कुल आपसे बात करते, करते अब उसका रिचुअल का मीनिंग समझ में आने लगे पानी क्यों को है हाँ, अब अगर कोई मुझे बोल हाँ, देता सही फिंको इसका है। मीनिंग ये है राइट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मीनिंग को फिर आप इम्प्लीमेंट भी करो उसकी भी क्लैरिटी हमें ये किसी ने नहीं क्लैरिटी दी कि कितना इफेक्ट हमारी थॉट्स का उस बच्चे पर पड़ रहा है ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फिर उसको करने की अटेंशन धीरे धीरे प्रयास घर के वातावरण को जल्दी से ठीक करना जितना हम जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे उतना वो बच्चा वहाँ नॉर्मल हो जाएगा वो जल्दी ईजान ये सब उसके लिए क्रिएट हुआ था बाकी रिचुअल रिचुअल की एक्यूरेसी रिचुअल का ये हम उन चीज़ों में अगर अटक गए तो उससे जो रिचुअल से जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट तो नहीं लाए दिए का मुंह इधर कर दिया दिए का मुंह उधर नहीं है नारियल तुमने उल्टा रख दिया नारियल का पाप चढ़ जाएगा अभी पानी ऐसे डालो तो फिर हम वो वाले चीज तो कर ही नहीं रहे जो हमने करनी थी वो नहीं कर रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे समय पर और जो कई बार भाई बहने पूछते हैं कि फिर हर साल जो हम श्राद्ध करते हैं उस आत्मा के लिए क्योंकि वो भी एक इतना इम्पोर्टेंट वो भी इतना इम्पोर्टेंट रिचुअल है अब श्राद्ध करना मतलब क्या करना पूरे परिवार में इकट्ठा होना और उस आत्मा को प्यार से याद करना जैसे आपने कहा आज भी बीस साल बाद भी अगर मुझे भाई की याद आए और मैं उसको दुआएं भेजू अच्छी एनर्जी भेजू तो वो जाएंगे किसी भी शरीर में हो किसी भी शरीर में हो उनको पता नहीं चलेगा ठंडी हवा तो लगे हाँ, लेकिन जाएगी तो श्राद्ध करने का मीनिंग क्या है ये है मीनिंग ये मीनिंग है चा, कि चा, हम सब इकट्ठे होंगे मेरी वाइफ उस दिन श्राद्ध में बोल रही थी कि मम्मी को बहुत पसंद थी खीर ये वाली तो मैं उनकी स्पेशल दाल ये बना रही शील बीन हैप्पी तो मतलब उनको हैप्पी वाले वो भेजें वाइब्रेशन अच्छा अच्छा नॉट ये कि नहीं वो खा रही है और खाना उधर जा रहा है ऐसा नहीं खाएंगे कैसे ना खाएंगे कैसे खाएंगे लेकिन हमारी दुआएं हमारी बेसिकली क्या जा रही है याद hmm, यार, सारे यार। जो रिचुअल्स है ना उनके पीछे बहुत डीप 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 प्यारे से मीनिंग्स थे सारे सचमुच जैसे ब्राह्मण को बुलाना उनको वो खिलाना जो उस आत्मा को पसंद था वो करना उसका भाव क्या था भाव था कि वो वो खुश होंगे भाव है उनको हमने आज प्यार से याद किया सपोज आपको कोई चीज अच्छी लगती हो Hmm. Suppose, आपको कोई खाने की चीज अच्छी लगती हो और आप आज नहीं है यहाँ पे लेकिन आपका कोई विशेष दिन है तो मैंने कहा उनको जो अच्छा लगता है ना खाने में आज मैं वो खाने में बनाऊंगी तो याद किसको किया hmm. ऐसा नहीं है कि वो खाना बनने से आप खुश होंगे दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लेकिन मैंने जो याद किया आपको तो मैंने आपके लिए कैसी वाली थॉट्स क्रिएट कभी वो बनने के बाद भी बोल रही मेरी मम्मी को बहुत पसंद था। वो खुश रहो तो वो चीज से खुशी नहीं मिलेगी उनको उनको तो पता भी नहीं चलेगा आपने हाँ। याद प्यार वाली याद उनको नहीं पता चलेगा कि हमारे यहाँ तो वाली याद दें, तो कोई मर गया तो वो तो फिर जाएगी ना एक बात पूछना था ऑपोजिट वाली अगर मैं याद दूं ये खराब था ये मर गया अच्छा वो मर गया बहुत दुख दे तो मैं अपने कर्म भी तो साथ साथ बना रहा हूँ वो तो बना ही रहे इसीलिए कहते हैं हूँ इसीलिए कहते हैं जिसने शरीर छोड़ा उसके लिए बुरा नहीं बोलो कितना है तो वो तो कर ही रहे हैं लेकिन जब कोई 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 शरीर छोड़ता है ना और अगर कोई उसकी उसकी जाते हैं। उसकी अगर उसके लिए कुछ बात करते हैं ना ऐसे कि वो तो बुरा नहीं बोलो शरीर छोड़ती है ना अब उसके लिए बुरा नहीं बोलो सच्ची आपकी बात इतनी मुझे कहाँ कहाँ ले जाती है मैं छोटा सा था डैडी हम दवाई देते थे बेचते थे एक आदमी का बीमार था इतना मोटा बिल हो गया था मतलब एक दो दिन दिन चिट्ठियां इतनी हो गई थी उधार देते थे तो एक दिन आए मैं देख रहा था इतने लोगों के पैसे आने उन्होंने फाड़ करके से फेंका क्या बोले शरीर छोड़ दिया hmm. तो उस आत्मा के प्रति कोई दिया। भी नहीं माँ बाप क्लोज फेंक दिया अकाउंट क्लोज अब इसी तरह यहाँ अगर सोचते रहो इतने डुबा गया हाँ। मर गया पता नहीं इतने पैसे देने थे टाल आत... दिया जो आत्मा शरीर छोड़ गया उसके लिए गलत सोच नहीं तो श्राद्ध का भी बहुत सुंदर मीनिंग है लेकिन आज श्राद्ध हम कंपल्शन या फियर में करें तो हमारा पर्पज डिफीट हो गया ना करने का मजबूर होके करें तो इसीलिए हाँ। काम मुसीबत पंडित जी जल्दी करो यार तो फिर वो पर्पज नहीं सर्व हुआ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिचुअल करने के बावजूद भी पर्पज नहीं सर्व हुआ क्योंकि करते हुए सिर्फ बाहर पे कंसंट्रेट किया अंदर वो किया ही नहीं एंड एक्चुअली अदर वे इज आल्सो पॉसिबल कि हम अंदर सारी अच्छी थॉट्स क्रिएट कर लें जरूरी नहीं है हमें उसको बाहर करना हो नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि पर्पस था अंदर जैसे हमने पहले देखा रिंग पहन लो सोच बदल जाएगी तो रिंग पहन के सोच बदलो या रिंग पहने बिना सोच बदल लो वो चॉइस तो हमारी है और कई बार ये भी होगा कि रिंग पहन भी ली और फिर भी सोच नहीं बदली तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका तो जो भी रिचुअल कर रहे हैं एक फियर से नहीं और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो एक डीप बिलीफ सिस्टम है अगर किया तो अच्छा वेरी गुड कुछ भी चीज लेकिन अगर नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा दिस आई नीड टू आस्क माई सेल्फ कैसे हाउ विल इट हैपन अगर मैंने आज आपको याद किया तो अच्छी एनर्जी क्रिएट की और अगर नहीं याद किया न्यूट्रल तो है? कुछ नहीं बुरा नहीं हो सकता कुछ मतलब गाड़ी को न्यूट्रल में रखो थोड़ा आगे जाएगी ना पीछे जाएगी ठीक है ना आपने बुरा हाँ आपने पूजा की आपको प्राप्ति हुई उससे कुछ नहीं की नहीं हुई मतलब प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस कैसे हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि फियर इतना क्रिएट हो गया रिलीजन से ये नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा ये नहीं किया तो बुरा हो जाएगा ये उनके लिए नहीं किया तो वो आत्मा वहां अशांत हो जाएगी दीज बिलीफ सिस्टम वी हैव टू चेक दिस वी हैव टू चेक नहीं किया कुछ नहीं बुरा होगा और कुछ बाहर नहीं कर पाते for any circumstances, आप देश के बाहर हैं, आप फाइनेंशियली करते तो तो ये purple, तो उधार लेके जो करेगा उसकी मनोस्थिति कैसी होगी नहीं तो उसको भी तो दुख होगा किसको पैसा बर्बाद करिए यही पैसा घर पे इस्तेमाल कर भाई ना? मत मैं बोल नहीं सकता हूँ मजबूर हूँ इम्पोर्टेंट या तो रिचुअल और रिचुअल की एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट है रिचुअल से जो थॉट प्रोसेस मुझे चेंज करनी है उस पर फुल अटेंशन कोई भी आप रिचुअल करें चाहे किसी के शरीर छोड़ने पे या सारा दिन हम जितने और रिचुअल्स करते हैं उनका मीनिंग पूछें उनका मीनिंग अच्छी तरह से समझें कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो कहाँ होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस मीनिंग को भी यूज करें फिर जब समझ में आया आत्मा को शांति भेजनी है तो खुद शांत रहना है तो वो एक दिन पूजा दो दिन पूजा नहीं रोज रोज अपने को शांत रखना है और दूसरा अगर बाई चांस रिचुअल नहीं कर पा रहे फॉर एनी रीजन इट्स फाइन रिचुअल के मीनिंग को पूछ लें किसी से और मीनिंग को यूज करना शुरू कर दें इंपॉर्टेंट इज रिचुअल हियर दिस इज अ डेली रिचुअल हियर हियर वॉज जस्ट अटिम्यूलस टू रिमाइंड अस टू डू इट हियर दैट्स इंपॉर्टेंट थैंक यू सो मच सिस्टर ओम ओम शांति शांति